आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनएलएम के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था, फोर्स के बारे में हमने स्टडी कर ली थी, राइट ना। फोर्स के बारे में पढ़ लिया था, फोर्स क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ पढ़ लिया था, ठीक है। ओके जी, तो टेंशन, टेंशन क्या होता है, टेंशन इज ए कनेक्टेड फोर्स, नहीं, टेंशन क्या है, कनेक्टेड फोर्स है, ठीक है। और एक नॉर्मल की डीपीपी भी मैंने आप लोगों को भेजा भेजा था, तो देखिए जरा, टेंशन ये क्या है, कनेक्टेड फोर्स है, कनेक्टेड फोर्स, ठीक है, कनेक्टेड फोर्स, राइट। अब ये कनेक्टेड फोर्स जो होता है वो किसमें लगता है, केबल और केबल कनेक्टर्स में लगते हैं, किसमें लगते हैं, केबल कनेक्टर्स में लगता है। कनेक्टर क्या होता है जी, बताएंगे, कनेक्टर क्या होता है, रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, थ्रेड, रॉक, रॉड, ठीक है, जिसके हेल्प से दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर, है ना। तो टेंशन क्या होता है, टेंशन कनेक्टर्स में लगता है, ये क्या है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। ये इलेक्ट्रो स्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स का एक फॉर्म है, इंटर मॉलिकुलर एंड इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये अराइव होता है, किसके कारण, इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है, इसके कारण ये अराइज होता है, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टी आपने क्या सीखा, कनेक्टर्स में इन लाइट कनेक्टर, है ना, इन लाइट कनेक्टर इट इज सेम एट ईच पॉइंट, इन कनेक्टर, ठीक है, इन कनेक्टर नंबर थ्री, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम जंक्शन, ठीक है ना, जंक्शन के, जंक्शन से ऑलवेज अवे होता है, राइट। इसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द जंक्शन, राइट ना, ठीक है। हैवी कनेक्टर में डिफरेंट पॉइंट्स पर या जिस कनेक्टर का मास दिया हुआ हो उसमें डिफरेंट पॉइंट पर ये टेंशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, नहीं, ठीक है। इन ए हैवी कनेक्टर टेंशन इज डिफरेंट, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट
at different points, ठीक है, different points, right? ये चीजें हमको पता होना चाहिए। फिर तो क्या है, बड़े मजा है, बल्ले बल्ले, ठीक है, ओके। इसके सिवा टेंशन में और कोई भी चीज ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ओके जी। अब थोड़ा सा मजे लेते हैं, अब जरा मजे लेते हैं एक आध एग्जाम्पल का, नहीं एक आध एग्जाम्पल का मजे लेते हैं, आपको रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद हम लोग इसी को, मान लीजिए कि ये M1 मास का कनेक्टर है, ये M2 मास का है, ये M3, ये मास का ब्लॉक है, ये एक नंबर का ब्लॉक, ये ब्लॉक A है, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। ये तीन ब्लॉक जो है एक दूसरे से कनेक्टर के हेल्प से, लाइट स्ट्रिंग के हेल्प से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, लाइट स्ट्रिंग के हेल्प से कनेक्टेड है, राइट ना। देखिए जरा इस दोनों के बीच में ये मास है, ठीक है, मास है, तो क्या हुआ, मास के दोनों साइड टेंशन मस्ट बी डिफरेंट, टेंशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, ठीक है जी। तो और यहाँ पर ये जंक्शन हो गया, जंक्शन क्या होता है, कनेक्टर जहां किसी बॉडी से दूसरे बॉडी से कनेक्ट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर टेंशन T1 ले लेते हैं इधर की तरफ आगे फ्रॉम द जंक्शन, अब इस स्ट्रिंग का मास तो दिया हुआ है, नहीं इसका मास तो नहीं दिया है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइट स्ट्रिंग हो गया, तो इसमें ईच पॉइंट पर टेंशन मस्ट बी सेम, ईच पॉइंट पर टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, ओके जी। ईच पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, दैट विल बी सेम, मस्ट बी सेम, ठीक है, ओके। तो देखिए जरा और बोलिए, तो यहां से यहां तक टेंशन टी वन होगा, अब इसमें ये यहाँ कनेक्ट करता है, यहाँ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर टेंशन टी टू और यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन टी टू इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, ओके जी। अब आपने रियली फोर्स अप्लाई किया है, किस पर अप्लाई किया है, एम थ्री मास पर फोर्स अप्लाई किया आपने, ठीक है ना, इस पर M3 मास पर फोर्स अप्लाई किए हो वहां पर, ठीक है, आप M2 पर इस पर अप्लाई नहीं किया, आपने M1 पर अप्लाई नहीं किया है, ठीक। अब देखो ये एक तरह से ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इसका ये फोर्स डायग्राम हो गया, ये क्या हो गया, फोर्स डायग्राम हो गया, ठीक है। अब ये थ्री बॉडी सिस्टम को, थ्री ब्लॉक सिस्टम को कौन खींच रहा है, वो अप्लाइड फोर्स एफ खींच रहा है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पर और क्या है, ये जो स्ट्रिंग है, दीज स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, ये सब कैसे है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब ऐसा नहीं है स्प्रिंग की तरह वो खिंच नहीं जा रहे, ठीक है ना, स्प्रिंग की तरह वो खिंचते नहीं है, राइट, इसीलिए ये सभी एक साथ सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरह मूव करेंगे,
ठीक है, ओके जी, राइट ना। अब देखो यहाँ पर, अब इस तीनों के लिए यदि आप फोर्स इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वेशन तीनों के लिए, तो क्या करेंगे देखो जरा, इस ब्लॉक के लिए स्टार्ट करेंगे फॉर एम वन, ठीक है। अब ये जो बना रहे ना हम, ये क्या कहलाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। एम वन को फ्री कर दिया है दूसरे से, ठीक है। अब इसको कौन खींच रहा है, टी वन खींच रहा है, राइट ना। और रोकने वाला यहाँ कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं है, राइट। कौन खींच रहा है, टी वन, रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये टी वन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, है ना, एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, ए, ओके। तो फॉर दिस टी वन इज इक्वल टू एम वन इंटू ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। ये जो अपन ने बनाया है इसको क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या हो गया, फोर्स इक्वेशन, ठीक है, फॉर एम टू ब्लॉक के लिए। चलिए एम टू ब्लॉक के लिए इसका मास क्या है, एम टू, इसको कौन खींच रहा है, टी टू, और रोक कौन रहा है, देखो टी वन किधर है, उधर की तरफ। जंक्शन पर टेंशन का डायरेक्शन किधर होता है, अवे फ्रॉम जंक्शन। तो यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन इसका टी वन का इधर, तो टी वन का डायरेक्शन किधर, इधर, ठीक है। ये ब्लॉक भी किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, ओके। अब ये इधर की तरफ जा रहा है, मींस दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस, इसीलिए क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, एम टू इंटू ए, ओके जी, एम टू इंटू ए एक्सेलरेशन दे देगा इसको, ओके, ठीक है। बढ़े आगे हम, अब देखो यहाँ पर, तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन दो नंबर का हो गया। अब फॉर एम थ्री, ठीक है, फॉर एम थ्री क्या करेंगे, ये थर्ड ब्लॉक है एम थ्री, इस पर आपने फोर्स लगाया एफ, ठीक है, और एम थ्री को रोक कौन रहा है, टी टू, कौन रोक रहा है, टी टू, ठीक है। और ये भी, ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ, ठीक है। इसके लिए फोर्स इक्वेशन क्या हो गया, एफ माइनस टी टू इज इक्वल टू एम थ्री इंटू ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री, फोर्स इक्वेशन थ्री हो गया आपका ये, राइट, ठीक है जी। क्या हो गया, फोर्स इक्वेशन थ्री हो गया आपका, ओके। अब जरा देखो, अब इस तीनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों के हेल्प से हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट कर लेंगे, टेंशन टी वन एंड टी टू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ थ्री ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। इस तीनों इक्वेशन को देश देश एंड देश, इस तीनों के हेल्प से आप कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके जी, कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट।
अब कॉमन एक्सेलरेशन आ गया तो टी वन कितना हो गया जी, फ्रॉम इक्वेशन वन देखिए, एम वन इंटू एफ बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। इसी तरह से टी टू वगैरह आप फाइंड आउट कर सकते हो, टी टू भी निकाल लीजिए, टी टू इज इक्वल टू उसको रीअरेंज कर देंगे, है ना, तो एफ माइनस एम थ्री इंटू एफ बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री सॉल्व कीजिएगा तो टी टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू, है ना, इंटू एफ बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। ओके जी, इस तरह से आपको टेंशन टी वन एंड टी टू मिल जाएगा, राइट ना, टेंशन टी वन एंड टी टू मिल गया, कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया। ओके, अब देखो जरा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन जरा देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए जरा, फिर हम लोग दूसरे चीजों का मजे लेंगे। ओके, हटा इसको, चलिए अब आपसे कोई कहता है, आपसे यदि कोई कहता है, जरा देखो एक क्वेश्चन, ये 3 kg का एक ब्लॉक है, 2 kg का एक ब्लॉक है और ये 1 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इसको कोई अप्लाइड फोर्स पी जो 10 newton का है, इसको इधर की तरफ खींच रहा है, 10 newton का है इधर की तरफ खींच रहा है, तब ये तीनों कॉमन एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, और इसमें टेंशन टी वन और यहाँ पर टेंशन टी टू अराइज होगा, ठीक है। तो टी वन एंड टी टू का वैल्यू जरा फाइंड आउट कीजिए जल्दी जल्दी बिंदास। ठीक है, टी वन एंड टी टू का वैल्यू जरा सॉल्व कीजिए आप लोग। ये शॉर्टकट फॉर्मूले फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने का, ठीक है। कॉमन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ऑफ फोर्स नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास होता है, क्या होता है, नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है अनुराग। अनुराग मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ठीक है, बनाइए जरा इसको। हो गया होगा आप लोगों का आंसर, तो बहुत डिले हो गया,
कॉमन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू नेट अप्लाइड फोर्स पी बाय टोटल मास एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, है ना, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। ओके जी, तो ए इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, टेन, थ्री प्लस टू प्लस वन, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन बाय सिक्स आई बाय थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं हो गया। ओके, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए यहां पर क्या होता है, कॉमन एक्सेलरेशन आ गया, अब टेंशन टी वन निकाल लेंगे, तो और इजी, और टेंशन टी वन इस ब्लॉक को कॉमन एक्सेलरेशन ये दे रहा है कि नहीं है, राइट। तो T1 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो M1 इंटू ए, एम वन कितना है, 3 इंटू 5 बाय 3 दैट विल बी 5 न्यूटन हो गया, ठीक है, क्या हो गया जी, 5 न्यूटन। ओके, अब T2 जो है, T2 किसको, रिमेनिंग टू ब्लॉक्स M1 और M2 3 केजी और 2 केजी को कॉमन एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, तो फोर्स इक्वेशन बना करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। T2 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इनटू A, T2 is equal to 3 plus 2 into कितना है 5 by 3, T2 is equal to 25 by 3 क्या हो गया न्यूटन, है ना, लेकिन ये 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जो अप्लाइड फोर्स है ना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, अब देखो यहां पर मान लीजिए कि ये पुली सिस्टम वगैरह मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, आज एक न्यू इंस्ट्रूमेंट आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज स्प्रिंग, क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग, अब ये स्प्रिंग भी कनेक्टर होता है, ठीक है, और स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है पता है, वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, रॉड में यदि इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो एनर्जी स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, स्प्रिंग एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, ये स्टोरर डिवाइस है, समझ गए, ठीक है, तो देखिए जरा, तो यहां पर स्प्रिंग में, स्प्रिंग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग को यदि स्ट्रेच करेंगे ना तो हम लोग जिस फोर्स से स्ट्रेच, मतलब जो स्ट्रेच करने के लिए जो वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ओके जी,
राइट। अब यहां पर ये चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, या हम लोग केवल स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट टर्म जो है वो पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। स्प्रिंग की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको कहाँ पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब फोर्स अपना फिनिश हो जाएगा ना उसके बाद, ठीक है, फोर्स फिनिश हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जरा, अब मान लीजिए कि ये एक लाइट स्प्रिंग है, ठीक है, कैसा स्प्रिंग है, लाइट स्प्रिंग है, इसका फोर्स कांस्टेंट के है, क्या है, फोर्स कांस्टेंट के। ओके जी, अब इस पर यदि एम मास का ब्लॉक लटका दिया हमने, क्या किया, एम मास का ब्लॉक लटका दिया, ठीक है, ओके, तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ पर वेट का होगा डाउनवर्ड, वेट का हो जाएगा W इज इक्वल टू एम जी, डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट ना, ये जंक्शन पॉइंट है और ये भी जंक्शन है, ठीक है, ये जंक्शन है, अब इसमें टेंशन टी अराइज होगा, जंक्शन में टेंशन टी जंक्शन पर अराइज होगा ना, टी ऊपर की तरफ, ठीक है, अब यहां पर लेंगे ये पॉइंट लेंगे तो जंक्शन टेंशन क्या होगा, यहां पर बनाता हूं जरा मैं इसको हटाइए, यहां जरा इसको देखिए, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा लिया, ये एम मास का एक ब्लॉक है, अभी आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर ये वेट एम जी इसको नीचे की तरफ ले जाएगा, राइट, अब ये छोटा सा पार्ट है वायर है, यहाँ भी छोटा सा पार्ट वायर है, ठीक है, तो ये टेंशन यहाँ पर टेंशन अराइज होगा इसमें ऊपर की तरफ थी, यहाँ ये टेंशन ले जंक्शन लेंगे तो यहाँ टेंशन थी, फिर यहाँ जंक्शन ले लेंगे टेंशन की ऊपर और यहाँ टेंशन की नीचे और ऊपर, ये जूम का प्रॉब्लम बीच में आ गया है, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जरा मैसेज कीजिए, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है,
मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ओके, तो ये जूम की समस्या हो गई थी, ऑडियो इन ब्रेकिंग। क्या अभी भी बोर्ड ब्लड दिख रहा है? क्या अभी भी बोर्ड ठीक नहीं है? ये जूम के कारण, जूम में प्रॉब्लम है, इसीलिए। अब जरा बोलिए, दिखाई दे रहा है? ओके मानसी, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्योंकि जूम थोड़ा डिस्टर्ब है आज, अभी डिस्टर्ब हो रहा है सडनली, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ना, ओके, ठीक है। तो ये वेट, इसका जो वेट होगा वो इसको किधर नीचे खींचेगा, है ना? और यहाँ पर टेंशन टी ऊपर की तरफ दे। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ, अब इसमें क्या होगा, इसमें जरा देखो, यहाँ पर इस टेंशन के कारण एलोंगेशन होगा, ठीक है? स्प्रिंग के, स्प्रिंग का जो लेंथ होगा ना, लेंथ, उसमें क्या हो जाएगा, एलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है? ओके जी, तो वो एलोंगेशन कितना होगा, ठीक है? इधर भी टेंशन है और इधर भी टेंशन है, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है टेंशन में। देखिए जरा, अब यहाँ पर देखो, इसमें ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन, एक क्या रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और वो किसके बराबर होगा, टेंशन के इक्वल, ठीक है? दैट इज इक्वल टू के इनटू एल, ठीक है? के इनटू एल, राइट? अब एल क्या है, एल क्या है, चेंज, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, या एलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है? ठीक है, चेंज इन लेंथ इन स्प्रिंग, ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब अपन ने क्या सीखा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? देखो यहाँ पर, इस पॉइंट पर ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पर, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ, समझ गए? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ईच पॉइंट को कंसीडर कीजिएगा, तो वेट इज इक्वल टू टेंशन, वेट किसके बराबर, टेंशन के बराबर, टेंशन किसके इक्वल, रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल, रीस्टोरिंग फोर्स फिर टेंशन, टेंशन रिएक्शन, ठीक है? टेंशन रिएक्शन, ओके जी। तो यहाँ पर पॉइंट ए बी सी और ये डी, ठीक है?
ठीक है, ये क्या है पॉइंट ऑफ एब्सेंस कहलाएंगे। तो इस पॉइंट पर क्योंकि ये जो सिस्टम है दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये कैसा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसीलिए इस पॉइंट पर एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, क्या बोला आपको आगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पर W इज इक्वल टू टेंशन T इज इक्वल टू B पॉइंट पर फोर्स ऑफ रिएक्शन है, फिर टेंशन T, फिर रिएक्शन R। ठीक है, ये याद रखने का, याद क्या रखने का, ये सीखने का बस रहे। ओके जी, तो स्प्रिंग बैलेंस किसको रीड करता है, रीस्टोरिंग फोर्स को रीड करता है। किसको रीड करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स को। मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, जरा समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये स्प्रिंग है इसमें, ठीक है, ऐसा एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा है, ठीक है, अब यहाँ पर एक वायर है और ये ऐसा बना हुआ है, देख रहे हो, ठीक है, अब इसको तुमने ऐसा पकड़ के खींचा, जरा गौर फरमाइए, तो जो जितना फोर्स अप्लाई करेगा ये इस स्प्रिंग को वो उतना ज्यादा खींच पाएगा, समझ रहे हो, उतना ज्यादा खींच पाएगा, जब तुम छोड़ोगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अपने पोजीशन पर चलाएगा। ठीक है, तो अभी स्प्रिंग का जो लेंथ है इसको क्या कहेंगे, नेचुरल लेंथ, क्या बोलेंगे, नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब यहां पर स्केल बना दिया, मान लीजिए ऐसा राइट, ठीक है, यहाँ पर जीरो है, वन सेंटीमीटर, टू थ्री फोर फाइव है, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब आप ही बताओ कि जो पर्सन जितना तेज, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करके खींचेगा इस स्प्रिंग में एलोंगेशन उतना ही ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं पी, ठीक है, दिस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या यहाँ पर स्मॉल एल लिया है तो स्मॉल एल ले लेंगे, तो स्मॉल एल क्या हो गया, एलोंगेशन इन स्प्रिंग है कि नहीं है। ओके, और उसको अब यहां पर देखिए, P इज इक्वल टू के इंटू एल, के इंटू एल, तो K को क्या कहेंगे, फोर्स कॉन्स्टेंट या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, K इज इक्वल टू P बाय एल, K इज इक्वल टू P बाय एल, P का यूनिट क्या हो गया न्यूटन, एल का क्या होगा मीटर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ओके जी, अब बस इतने से काम चलाइएगा, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में। अब देखो, ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन मान लीजिए देता है, ठीक है, जैसे आपसे कोई बोलता है राइट, कि देखना जरा यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस है, अब स्प्रिंग बैलेंस अगर आप जानते हो स्प्रिंग बैलेंस एक नंबर का है और एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ओके जी, और यहाँ पर 2K
केजी का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने केजी का? 2 केजी का, दिखाई दे रहा है? 2 केजी का एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। ओके, तो आप ही बताइए कि ये स्प्रिंग बैलेंस और ये स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग देगा? दोनों लाइट है, इस दोनों का मास जो है ना नेगलिजिबल है, लाइट है, ये भी लाइट है। लाइट का मतलब वो वाला लाइट नहीं समझ लो, ठीक है? लाइट का मतलब क्या हो गया, इसका मास नेगलिजिबल आहे, ठीक है? ओके जी, चलिए तो बोलो जरा। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स इक्वेशन एन एल एन, न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे, और ये चूंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो न्यूटन थर्ड लॉ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पर इसका वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 × g 20 न्यूटन है, ठीक है? कितना? 20 न्यूटन है। ओके, तो ये 20 न्यूटन, अब यहाँ पर ये भी कितना रीड करेगा, इसका रीडिंग कितना होगा भैया? तो R1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन होगा। यहाँ भी कितना होगा? R2 ये जो रीड करेगा ना, ये भी 20 न्यूटन ही रीड करेगा, ठीक है? ओके, राइट। क्यों? क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हुए ये कहां चला जाएगा? इधर तक चला आएगा, यहां तक आ जाएगा, समझ गए? यहां नॉर्मल जो होगा वो इज आल्सो 20 न्यूटन, ठीक है? ओके, अब मेरे पास साफ हो, देखिए जरा, आपसे यदि कोई बोलता है, क्या बोलता है रे भाई, क्या बोलता है कि ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है? एग्जांपल नंबर नेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है? यहाँ पर एक ब्लॉक लटका हुआ है, समझ गए? ये ब्लॉक लटका हुआ है 2 केजी का, ओके, और इसमें एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है, समझ गए? क्या है? एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है, ओके, इस तरह से एक सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पर 3 केजी का एक ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है? कितने केजी का ब्लॉक लटका हुआ है? 3 केजी का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है? ओके जी, तो आप ही बताइए कि इसकी रीडिंग कितनी होगी? ये R1 है और ये R2 है, ये कितना रीड करेगा और ये कितना रीड करेगा? जल्दी जल्दी जरा, दोनों लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, दोनों कैसा है? लाइट है, दोनों का मास कमी आगे नेगलिजिबल आए, हम की नहीं नेगलिजिबल है, श्रेयस
श्रेयस मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ठीक, सुधांशु बाघ, सुधांशु हाँ जी, तो बोलिए जरा, देखिए यहाँ पर ये 3 kg है ना, तो इसका वेट डाउनवर्ड होगा 30 न्यूटन, है कि नहीं? ओके, तो ये यहाँ पर ये टेंशन, इसमें तो यही देगा ना टेंशन, तो 30 न्यूटन ही देगा ना, तो ये किसको रीड करेगा? केवल 30 न्यूटन को रीड करेगा। ये कितने को रीड करेगा? ओनली 30 न्यूटन को रीड करेगा। ठीक है, अब आ जाइए ऊपर। अब यहाँ पर ये 30 न्यूटन पहले से है, यहाँ शिफ्ट होते हुए आ गया ना, और ये वेट इसका 20 न्यूटन 2 kg, मीन्स W2 इज इक्वल टू, सॉरी W1 है ना, 20 न्यूटन यहाँ पर है और ये मूव करते हुए 30 न्यूटन यहाँ है ना, तो यहाँ पर इफेक्टिवली कितना है? 20 + 30 तो 50 न्यूटन, तो ये किसको रीड करेगा? 50 न्यूटन को रीड करेगा, है कि नहीं? किसको रीड करेगा? 50 न्यूटन। ओके, दोनों को रीड करेगा। अब जरा देखिए, अब जरा देखो क्या होता है कि एक ही, ये इस तरह से एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और यहाँ पर एक लाइट पुली कनेक्टेड है। कैसा पुली है? लाइट पुली, लाइट एंड फिक्शनलेस, फिक्शनलेस पुली है, ठीक है, इस तरह से लाइट एंड फ्रिक्शनलेस होगी, ठीक है जी। अब क्या होता है कि एक स्प्रिंग बैलेंस इस तरह से कनेक्टेड किया हुआ है ऐसा, ठीक है, यहाँ पर 20 kg वेट मास रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक 20 kg का मास रखा हुआ है, 20 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है, ये भी 20 kg और ये भी 20 kg का मास लटका हुआ है, ठीक है, ओके, एंड दिस ब्लॉक इज इन, ये जो टू ब्लॉक सिस्टम है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, समझ लो, ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजिशन में है, मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करेगा? ओके, स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करेगा? ओके, तो जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए बिंदास। वेरी गुड श्रेयस, ठीक है, यहां पर देखो वेट W1 इज इक्वल टू 220 इंटू जी, ठीक है,
द्रुतिराज पुरोहित आई है, द्रुतिराज पुरोहित, डू यू लिसन मी? ओके वेरी गुड। तो वेट इज एम जी, तो 20 × g जी का वैल्यू 10 लेने का यहाँ पे, तो 10 मीन्स 200 न्यूटन, स्टोरी खत्म हो गई। अब यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट ना, नीचे की तरफ। अब ये दिस इज लाइट, ये क्या है, लाइट है, ठीक है। यदि इसका मास दिया हुआ होता, ठीक है ना, तो टेंशन दोनों साइड डिफरेंट हो जाएगा, समझ गए? टेंशन क्या होगा, दोनों साइड डिफरेंट। यदि इसका मास दिया होगा ना, 1 kg भी, 1 kg 0.1 भी रहेगा ना, तो दोनों साइड टेंशन मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, मस्ट बी डिफरेंट। ये टेंशन, ये टेंशन, यहाँ पे टेंशन, 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 ठीक है, टेंशन। और ये क्या हो गया, वेट W2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है, ओके। अब इसमें खुद टेंशन नहीं लेने लेने को, ये रेशियो का इधर भी 20 kg, इधर भी 20 kg, दोनों को मेजर करेगा ना, ऐसा नहीं होता है। रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, ओके, ठीक है। तो देखो दिस इज इक्वल टू दिस, 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 ठीक है, राइट ना। अब यहाँ पर ये यदि लेते हो आप, तो आपकी मर्जी, यहाँ से यहाँ टेंशन T1 करो, इधर T2 करो, लेकिन दैट मस्ट बी सेम, राइट। तो इसकी रीडिंग क्या होगी, उसके रीडिंग R इज इक्वल टू T, ये जो रीड करेगा R को रीड करेगा, T इज इक्वल टू W1 इक्वल टू W2 200 न्यूटन, ओके जी, 200 न्यूटन, ठीक है। अब जरा राम जी के नाम पर एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको हटा दीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन, इसी में नोट कर दीजिए, ऐसा कैसा, कैसा क्वेश्चन जी, तो जरा देखो क्या होता है, न डरने का न शर्माने का, ठीक है, मजे लेने का जिंदगी के, क्या करने का, जिंदगी के मजे लेने का, ये हो गया आपका टेबल, ठीक है। क्या हो गया टेबल, अब आप लोगों ने, सर ऑडियो इज ब्रेकिंग आएगा मुझे, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा देख लेना, ओके। तो देखिए ये दिस इज दी पुली, ये लाइट पुली है, यहाँ पर भी एक लाइट पुली है, अब देखो यहाँ पर एक 4 kg का ब्लॉक कनेक्टेड, समझे क्या है, बताए 4 kg, यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है, कौन है स्प्रिंग बैलेंस, इसकी रीडिंग R1, ठीक है, समझे प्यारे। और ये है 6 kg का एक ब्लॉक है, कितने का, 6 kg का, ठीक
और इधर भी एक स्प्रिंग बैलेंस है, समझ गए अनुराग? महंग दिखाई दे रहा है, ये रीड करता है आर टू को। और यहाँ पता है यहाँ पर 3 kg का एक ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू जीरो, इकड़े म्यू अलसो जीरो, ठीक है, ओके। म्यू जीरो आपसे कहता है, आपसे क्या क्वेश्चन कहता है? एक 6 kg ब्लॉक इज रिलीज, ठीक है, 6 kg ब्लॉक इज रिलीज, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर टू, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर टू, ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर टू। सॉल्व कीजिए जरा इसको। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आर वन और आर टू जो है, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आर वन और आर टू की क्या होगी? क्या होगी देखिए, देखिए जरा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन आपको ही बनाना है, क्वेश्चन आपको ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको केवल थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंट ले लीजिए, ओके, ठीक है। इसी तरह से एक सिस्टम बना दिया हमने, क्या ये बिल्कुल सेम सिस्टम बनाया? आप लोग भी बना लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को ना भेज दीजिएगा, ठीक है, ओके जी। ये इस तरह से ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पर एक ब्लॉक लटका हुआ है, यहाँ भी एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है, ओके। ये ब्लॉक है, इसका मास m1 है, ठीक है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है, राइट। ये रीडिंग लेता है r2 और ये रीडिंग लेता है, अच्छा इसको m2 कर दो, m2 और ये m1 कर दीजिए, ठीक है, r1 रीडिंग, राइट ना। अब देखो जरा, रिलीज करने के बाद जब अपन इसको रिलीज करेंगे तो यार लेट M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है, देन इसको जब आप रिलीज करेंगे तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा? Let M1 is greater than M2, ठीक। अब देखिए इसको रिलीज करा अपन ने तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा,
ये स्प्रिंग में जितना एलोंगेशन होना होगा हो जाएगा, इसमें भी जितना होना होगा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पूरा सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। समझ रहे हो, किससे एक्सेलरेट होगा, कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए अब ये यदि ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आता है तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका वेट W1 = m1g डाउनवर्ड, इसका वेट नीचे की तरफ m2g, है ना। अब इसमें देखिए यहाँ बीच में ब्लॉक है, बीच में ब्लॉक है, इसीलिए इधर टेंशन और इधर टेंशन मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है, ओके। यदि मास नहीं होता तो क्या होगा, टेंशन सेम होता। ठीक है, यहाँ पर टेंशन इस साइड मस्ट बी, अब इसका मास नहीं दिया है, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या टेंशन T1, इसमें T1, यहां तक T1। ठीक है, ओके, राइट। अब इसका भी यदि मास दिया होता तो टेंशन डिफरेंट हो जाता, टेंशन क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता। ठीक है, तो T1, अब इधर क्या हो जाएगा, T2, टेंशन T2, T2, T2। ठीक है, यहां भी बना सकते हैं। और दिस, ये किसको, ये जो ये है ना, ये किसको रीड करेगा, T2 को रीड करेगा। ठीक है, तो R2 किसको रीड करेगा, T2 को रीड करेगा, और तो ये T2 हो गया, और R1 किसको रीड करेगा, T1 को रीड करेगा। ठीक है, ओके जी। अब तीनों ब्लॉक के लिए हम लोग इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर T1 = R1, T1 की जगह क्या ले लेंगे, R1 ले लेंगे, बल्ले बल्ले। T2 की जगह क्या लेंगे, R2 ले लेंगे। ठीक है, और सभी के लिए इक्वेशन बना लेंगे, राइट। तो देखिए फॉर M1, फॉर M1 इसके लिए ये नीचे जा रहा है, मतलब दिस इज M1G ग्रेटर देन M1G इज ग्रेटर देन T1, तो M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 × A, और T1 इज इक्वल टू क्या है, R1, है ना। इसीलिए वी कैन राइट हियर M1G माइनस R1 इज इक्वल टू M1A, एक नंबर। ठीक है, इसी तरह से फॉर M3, यहाँ पर T1 इज इक्वल टू R1 और T2 इज इक्वल टू R2। ठीक है, तो लिख सकते हो आप फॉर M3 इस ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू M3 × A, दो नंबर का इक्वेशन हो गया। और M2, अब इसके लिए देखिए जरा, और M2 के लिए देखो जरा क्या हो जाएगा जी, इस ब्लॉक के लिए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब R2 ग्रेटर है M1 M2G से, है ना, तब उसको ना ऊपर ले जा रहा है ना। इसीलिए और M2 यू कैन राइट हियर R2 - M2G = M2A, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आपका हिंट हो गया। इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
आया समझ में? बोलिए तो इसको सॉल्व कीजिएगा और स्क्रीन लेकर के मेरे को भेज दीजिएगा, राइट ना। तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद। कल हम लोग 8:30 पर ही पढ़ेंगे। कितने पे पढ़ेंगे? 8:30 पे, 1.5 घंटे के बाद। अभी धीरे धीरे पहले थोड़ा फिजिक्स पढ़िए, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा ना, मैथ्स वाले को मैथ्स, बायो वाले को बायो, ठीक है। तो पढ़ते चलिएगा अपना, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, ओके। और जिस दिन टेस्ट है उस दिन क्लास नहीं लेंगे 25 से, ओके, ठीक है। तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद।